हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ उगला जहर हिंदुत्व के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश। इतना ही नहीं, बच्चों से नफरती नारा लगवा रहा पाकिस्तान आरएसएस के दहशत गर्दों, हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, इस प्रकार के नारे लगवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, जहां गृह युद्ध की आग में जल रहा पाकिस्तान कश्मीर में G20 के खिलाफ साजिश रच रहे जहरीले बिलावल भुट्टो। जी हां, भारत से लौटते ही बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर उठाया ये बड़ा कदम। सारी जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं, सबसे बड़ी खबरें बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह, अगर आप भी मानते कि भारत और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन ही नहीं बचा क्योंकि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ उगला जहर हिंदुत्व के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। बता दें, एक पाकिस्तानी राजनयिक ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात एक राजनयिक ने ट्वीट करके लिखा है कि भारत अब एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है और भारत में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तानी राजनयिक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अब इस मुद्दे पर शांत ना रहे। अमेरिका के Washington DC स्थित पाकिस्तानी दूतावास में प्रेस काउंसलर के पद पर तैनात सरफराज हुसैन ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में सरफराज ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे राणा अयूब के लेख का लिंक साझा किया है। ट्वीट के कैप्शन में पाकिस्तानी अधिकारी ने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी अब चुप ना रहे। राणा अयूब ने चेतावनी दी है कि मोदी इंडिया को समझाने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। भारत कोई स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। मोदी भारत में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं और दुनिया इस तरफ देख ही नहीं रही है। लेख में कहा गया है कि भारत में व्यवस्थागत तरीके से मुस्लिमों का शोषण हो रहा है और उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और अब इस प्रचार को चलते हुए कई साल बीत चुके हैं और तो ये मौजूदा समय में काफी गंभीर हो गया है। इस लेख में पीएम मोदी गुजरात दंगे और देश में कथित हिंदुत्व उभार के बारे में लिखा गया है। भारत पाकिस्तानी राजनयिक का यह ट्वीट ऐसे समय सामने आया है जब जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने जा रही है। G20 का टूरिज्म सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित होगा, इसका पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जा रहा है। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कैसे बिलावल भुट्टो भी G20 का विरोध में बयान दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी राजनयिक ने जिस प्रकार से भारत के खिलाफ उगला है ये जहर, पीएम मोदी जी को की है घेरने की कोशिश, ऐसे में आप लोग कैसे करारा जवाब देंगे इस पाकिस्तानी राजनयिक को कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, जो उसके देश में खुद अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, क्या उस पर पूरे विश्व को नजर नहीं डालना चाहिए? और जिस प्रकार से आज पाकिस्तान की स्थिति है, उन सबको भुला करके वो भारत के तरक्की में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी नजर हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह इस वीडियो का जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दे, इतना ही नहीं, बच्चों से नफरती नारे लगवा रहा है पाकिस्तान आरएसएस के दहशतगर्दों, हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, ऐसे ऐसे नारे लगवा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में फिलहाल स्थिति बेहद ही बेकार है। पूरे देश में इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान पूरा पाकिस्तान में चारों तरफ PTI के समर्थक आगजनी कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसे पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। इसमें कुछ बच्चे जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि आरएसएस के दहशतगर्दों, हर मुसलमान की शहादत का बदला लिया जाएगा। हालांकि वीडियो की पुष्टि ABP न्यूज नहीं करता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो 3 साल पुराना बताया जा रहा है, वीडियो में बच्चों से जिस तरीके से नफरत फैलाने की बातें करवाई जा रही है वो किसी मायने में सही नहीं है। आज बच्चों से नफरती नारे लगवाने वाले पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि आवाम और सेना आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, उसके बावजूद भी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा। आपको बता दें, ये खबर ABP न्यूज में छपा हुआ है दोस्तों, ऐसे में वो भी इसकी पुष्टि नहीं करता है ये वीडियो कब की है, लेकिन इसमें क्लियर देखा जा सकता है कि भारत के खिलाफ बच्चों से नफरती नारे लगवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर दोस्तों बता दें, जहां भारत से लौटने के जस्ट बाद ही बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर उठा लिया बड़ा कदम। जी हां, गृह युद्ध की आग में जल रहा पाकिस्तान कश्मीर में G20 के खिलाफ साजिश रच रहे जहरीले बिलावल भुट्टो। बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में PTI समर्थक जिस प्रकार से दोस्तों देश को जला रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और उसके मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर की रट लगा रहे हैं। यही नहीं, बिलावल भुट्टो कश्मीर में G20 की बैठक रोकने के लिए साजिशें रचने में जुट गए हैं। जी हां, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर के अलगाववादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की।
की है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके कहा है कि हुर्रियत नेताओं से मैंने कश्मीर को लेकर बात की है। बिलावल ने एक बार फिर से कश्मीरियों के कथित आत्मनिर्णय के अधिकार का राग अलापा। इससे पहले बिलावल चाइना और कई अन्य मुस्लिम देशों के राजदूतों से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल बिलावल की पूरी कोशिश है कि चीन और तुर्की जैसे पाकिस्तान के दोस्त मुल्क कश्मीर में होने वाले G20 कार्यक्रम में हिस्सा ना ले। इस बीच ब्रिटेन ने पाकिस्तान को झटका देते हुए यह ऐलान कर दिया है कि वो कश्मीर में G20 सम्मेलन में जरूर हिस्सा लेगा, एट एनी कॉस्ट पार्टिसिपेट करेगा। वहीं पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत मुनीर अकरम ने भी कश्मीर को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तानी राजदूत ने कश्मीर में G20 सम्मेलन कराए जाने का संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के मंच का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय एजेंडे के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इसके जरिए यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। मुनीर अकरम ने G77 की बैठक में यह मुद्दा उठाया। भारत इस समय G20 का अध्यक्ष और सितंबर में शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया के दिग्गज नेता हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने G20 के एजेंडे को लेकर बैठक बुलाई थी। अब ऐसे में पाकिस्तान हर तरफ से हाथ धो करके G20 को जो भारत में आयोजित होगा जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बहरहाल अगर आप भी मानते पाकिस्तान पूरी ताकत लगा ले, क्योंकि भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में भारत का बाल तक बांका नहीं कर सकता पाकिस्तान। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान खुद अपनी ही मौत मरेगा, और वास्तव में ऐसा ही होता नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने देश पर ध्यान नहीं दे रहा, अपने देश की आवाम पर ध्यान नहीं दे रहा जो एक एक रोटी के लिए तरस रही है, एक एक खाने पीने को तरस रही है। ऐसे में इन सब को छोड़कर भारत के पीछे ये पाकिस्तान लगा है। बहरहाल आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां खालिस्तानियों को ऑस्ट्रेलिया ने दिया अब तक का सबसे बड़ा और तगड़ा झटका। सिडनी में नहीं आयोजित करने दिया ये बड़ा कार्यक्रम। जी हां, ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ विदेशों में साजिश रच रहे खालिस्तानियों को तगड़ा बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया की एक नगर परिषद ने सिडनी में होने वाले खालिस्तान प्रचार जनमत संग्रह कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। खालिस्तानी ये संग्रह भारत को टुकड़े टुकड़े करने की नियत से करने वाले थे, मगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया पीएम की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, और इस दौरान खालिस्तानियों को लेकर भारत ने किसी तरह का समर्थन दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने खालिस्तानियों को यह कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर कार्रवाई करते हुए ब्लैक टाउन सिटी काउंसिल ने खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस द्वारा ब्लैक टाउन लीजर सेंटर स्टेनहॉप में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। अगर आप भी मानते वास्तव में भारत के पक्ष में यह सबसे बड़ा और पहला एक्शन लिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, तो दोस्तों ऐसे में थैंक यू ऑस्ट्रेलिया आप लोग जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां तौकीर रजा के खिलाफ योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के समर्थन में बयान देना पड़ गया भारी। जी हां, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ माफिया अतीक अहमद के सपोर्ट में भड़काऊ बयान देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि तौकीर रजा खान ने बीते 7 मई को यूपी के फरीदपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के मर्डर और सपा नेता आजम खान के अपमान का बदला लेना चाहिए। जिसके बाद तौकीर रजा खान के इस बयान का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसका संज्ञान लेते हुए तौकीर रजा खान के खिलाफ अब IPC की धारा 295A यानी जानबूझकर व दुर्भावनापूर्ण कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से के तहत केस दर्ज किया गया है। जी हां, बता दें कि यूपी के फरीदपुर में पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार की शिकायत के आधार पर तौकीर रजा खान के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। ऐसे में इस FIR के बाद तौकीर रजा का क्या रहा रिएक्शन आपको बता दें। तौकीर रजा ने FIR के बाद कहा कि अब हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस हिरासत में जिस प्रकार से अतीक अहमद उनके भाई अशरफ की हत्या की गई, हम उसकी निंदा करते हैं, पर मुझे फंसाने के लिए बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बहरहाल दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारी खबर से लगातार जुड़े रहते हैं कि तौकीर रजा ने अतीक और उसके भाई के को लेकर क्या बयान दिया था। अब ऐसे में FIR होने को लेकर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ
साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।